जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये नारा तय हुआ है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन की बैठक के दूसरे दिन एक और नारा बड़ा निर्णय हुआ है और जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। देश भर में गठबंधन के जो नेता हैं वो साझा रैलियां करेंगे, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारा वहां पर बुलंद किया जाएगा और इसी महीने से विपक्षी दल अपनी साझा रैलियां करना शुरू कर देंगे। तो दो फैसले हो गए हैं, एक कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय कमेटी बन गई है 13 सदस्यों की, और दूसरा फैसला ये हो गया है कि ये एक नारा दे दिया गया। ये नारा सभी विपक्षी दल जो 28 दल हैं इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो विभिन्न राज्यों में जाकर देश भर में रैलियां करेंगे और जब भी रैली होगी तो ये नारा दिया जाएगा कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो इंडिया ने अपना नारा तय कर दिया, अपना स्लोगन तय कर दिया है, विपक्षी दलों की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है और न सिर्फ समन्वय समिति का ऐलान कर दिया गया है, उनके नामों की ऐलान जो नेता उसमें शामिल हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं, नारे का ऐलान कर दिया गया है। तो अब देश भर में ये प्लान बनाया गया है कि अब हम एक साथ जाएंगे, साझा रैलियां करेंगे, रैली एक होगी, विभिन्न राजनीतिक दलों के यानी कि इंडिया गठबंधन के नेता उसमें होंगे और नारा देंगे कि जुड़ेगा इंडिया और भारत और जीतेगा इंडिया। तो जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारा दिया है, भारत और इंडिया दोनों शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये दो दिन की महत्वपूर्ण बैठक थी मुंबई में जो चल रही थी और इस बैठक में दो निर्णय अभी तक हो चुके हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा कैसे होगा, किस राजनीतिक दल को, किस गठबंधन के साथी को कितनी सीटें दी जाएंगी, ये कहा गया है कि ये भी हम जल्द तय कर देंगे और सितंबर के तीसरे हफ्ते से ये जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारे के साथ रैलियां देश भर में शुरू हो जाएंगी। बड़ी खबर आई है इस समय और जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारा तो तय हो चुका है। सीधे मुंबई मौसमी सिंह हमारी संवाददाता की बात आपको लिए चलते हैं जो लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। मौसमी, क्या कहेंगी आप, क्या जानकारी मिली है, क्या किस तरह से इस बात का ऐलान किया गया है? देखिए, बड़ी खबर जिस तरह से आ रही है, तीसरे हफ्ते में सितंबर के रैली करने की बात कही गई है। ये कहा गया है कि सीट शेयरिंग को लेके जल्द से जल्द पूरा खाका तैयार किया जाएगा और जो रेजोल्यूशन है पूरे गठबंधन का वो रेजोल्यूशन हमारे सामने है सईद, और उस रेजोल्यूशन में कुल मिला के एक साझेदारी की और एक अर्जेंसी जो है वो साफ जाहिर हो रही है। सबसे पहले देखिए, शुरू ही रेजोल्यूशन वी से होता है। अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएं कि किस तरह से पूरी इंडिया पार्टी जो है एक साथ कंटेस्ट करेंगी आने वाले लोकसभा चुनाव, इसकी मंशा जाहिर की है। उसके बाद फिर से वी आता है, वी दी इंडिया पार्टीज, तीन बड़े रेजोल्यूशन है और उसमें यह कहा जाता है कि चुनाव हम लोग उसके लिए सीट शेयरिंग अरेंजमेंट पूरी तरह से उसका खाका तैयार होगा। दूसरा जो बड़ा रेजोल्यूशन है कि जिस तरह से पब्लिक रैलीज है वो हमें जल्द से जल्द करनी होगी, अलग अलग देश के हिस्सों में हम पब्लिक रैलीज करेंगे। और तीसरा बड़ा रेजोल्यूशन जो है वो ये नारे के तले है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो कुल मिला के 13 सदस्यीय कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, हम पहले से ही कह रहे थे कि आज कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान हो जाएगा और एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है कि हम साथ साथ हैं। बिल्कुल ठीक है मौसमी, लेकिन ये वो नाम देखिए हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जो कमेटी बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी। नाम देखिए आप, केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, एमके स्टालिन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद अली खान, ललन सिंह, हेमंत सोरेन, डी राजा और उमर अब्दुल्ला, इसमें महबूबा मुफ्ती का नाम भी शामिल है। और मौसमी, क्या किस बात का ध्यान रखा गया है, जो नाम अभी हमने पढ़ के सुना है, आपने जो लिस्ट भेजी है हमें, इसमें राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है या नेताओं को प्रमुखता दी गई?
देखिए पहले से ही नाम मांगे गए थे हर एक दल से, और जाहिर तौर पे जिसकी जितनी सीटें हैं या पार्टी में का वजन है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है, शरद पवार जो है उनको चाणक्य कहा जाता है, लगातार सबसे पहले उन्होंने ये जरूरत जताई थी लगभग एक दो साल पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सामना करने के लिए एक फ्रंट की जरूरत है जिसमें कांग्रेस का होना जरूरी है। और जाहिर तौर पे डीएमके की तरफ से स्टालिन साहब खुद इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहेंगे, और अभिषेक बैनर्जी को जो है टीएमसी की तरफ से रखा गया है। तो यहाँ पे सिर्फ स्पोक्स पर्सन या सिर्फ सीनियर लीडर्स नहीं है, जैसे आप देखें तो डिसीजन मेकर्स भी, पार्टी के जो बड़े डिसीजन मेकर्स हैं वो भी इन्वॉल्व है इसमें, जैसे कि शरद पवार है, एमके स्टालिन है, और जावेद खान को समाजवादी पार्टी से रखा गया है, सांसद है वो, हेमंत सोरेन खुद इसमें। अच्छा ठीक है, मौसमी ये बताइए, मौसमी ये जो समन्वय समिति है ये क्या क्या निर्णय करेगी, क्या काम क्या होगा इसका? देखिए एक तरीके से इसके पास ये पावर होगा कि आगे का जो रास्ता है वो क्या होना है, क्या कुछ सब ग्रुप्स बनने हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे कोऑर्डिनेशन ही कमेटी सारा काम नहीं कर सकती, तो माइक्रो लेवल पे सब ग्रुप्स बनाए जाएंगे, कैंपेन कौन देखेगा, रैलियों का आयोजन करना है तो किस तरह से, कब सबसे बात कौन करेगा, तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम ये होगा कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करें, उसके बाद जो सब ग्रुप्स होंगे उनके जो मेंबर्स होंगे वो उस पर काम करेंगे। तो आपने कांग्रेस, जैसे कांग्रेस में होता है कांग्रेस की कार्य समिति होती है, उसी तरह से ये मान लीजिए कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसकी ये एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये कोर टीम है जो पार्टी चीफ से जैसे ममता बैनर्जी है उनसे बात करना होगा या अभिषेक बैनर्जी कुछ कहना होगा तो वो कोऑर्डिनेट करके टीम की जब मीटिंग्स होंगी तो सारा खाका रखा जाएगा, और उसके बाद आगे जो है किस तरह से सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्या क्या करना है वो स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी। तो एक तरीके से हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कह लीजिए आप, ये पूरे इंडिया गठबंधन की होगी, अपने आप में एक कदम और आगे इंडिया गठबंधन बढ़ा है, पहले चेहरा मिला था फिर नाम मिला, और इस बारी उन चेहरों उस नाम को एक चेहरे मिले हैं, पहचान मिली है। बहुत धन्यवाद मौसमी आपका, मौसमी सिंह हमारी संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रही। देखिए लिस्ट एक बार हम आपको लिस्ट दिखाएं और वो नाम 13 के 13 नाम कोऑर्डिनेशन कमेटी के हम एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देते हैं। केसी वेणुगोपाल का सबसे ऊपर नाम है, कांग्रेस के हैं शरद पवार, एनसीपी के अध्यक्ष हैं एमके स्टालिन, डीएमके बड़ा नाम है संजय राउत, शिवसेना उद्धव ग्रुप से हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी उप मुख्यमंत्री भी हैं अभिषेक बैनर्जी, ममता बैनर्जी के भतीजे हैं राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी जावेद अली खान समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनको जगह मिली है, वो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे जावेद अली खान, ललन सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, और इसके अलावा डी राजा सीपीआई की तरफ से रहेंगे, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये दो कश्मीर की दो प्रमुख पार्टियों के नेताओं को भी यहाँ पर शामिल किया गया है।